नमस्कार, यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। रिपोर्टर दयाराम चंद्रवंशी के साथ मनोज पाठक। माफियाओं के खिलाफ प्रदेश भर में कार्यवाही कर असर उज्जैन जिले की तहसीलों में भी नजर आया। उज्जैन पुलिस ने शनिवार को अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर लगभग 1 क्विंटल 44 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग कीमत 36 लाख रुपए के आसपास आकी जा रही। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए 17 लाख की केट्रा कार, मारुति वैन और 1 बाइक जब्त की। पुलिस महानिदेशक उज्जैन जोन राकेश गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन रेंज के मनीष कपूरिया के मार्गदर्शन में उज्जैन जिले के चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान में पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, आकाश भूरिया के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के अंतर्गत खाशरुद थाना क्षेत्र में उज्जैन टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी सत्येंद्र शुक्ल की जानकारी अनुसार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी गिरफ्तारी में लगभग 1.44 क्विंटल गांजा, अवैध मादक पदार्थ, 1 हुंडई क्रेटा कार, 1 ओमनी कार तथा 1 बाइक जब्त की गई। एनडीपी एक्ट के तहत 3 प्रकरण थाना खाशरोद में जब्त कर दर्ज किए गए। आपको बता दें कि खाशरो थाना क्षेत्र में वर्षों से अवैध मादक पदार्थ तस्कर का स्थानीय पुलिस की जुगलबंदी से कारोबार फल फूल रहा था। अपना भला करके कार्यवाही नहीं हो रही थी, लेकिन शिवराज मामा की जिद है सुशासन राज्य में हर तरह के माफियाओं को जमीन से 10 फीट अंदर गाड़ने की बात कह चुके हैं। उज्जैन जिले का जो गांजे का एक नेटवर्क है, उसकी सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी कि व्यापार जो है शहर से लेकर देहात के क्षेत्र में चल रहा है। उस नेटवर्क के संदर्भ में जो सूचनाएं एकत्रित करने के लिए एक समर्पित टीम तैयार की गई थी, उसने दिन रात मेहनत करके इसके पूरे नेटवर्क के अंदर तक गए और अंदर तक हमें लगभग इस पूरे नेटवर्क का पता लग गया था। और कल एक विश्वसनीय मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि महाकाल थाना क्षेत्र में रहने वाला जो एक इसका व्यापारी है, ये अपना कुछ सामान जो खाचरोद में व्यापारी है उसके साथ मिलकर ले जा रहे हैं और इसको देहात क्षेत्र में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की इनकी योजना है। इस सूचना पर हमारे पास जो नंबर वाला गाड़ी का नंबर आया था, उस गाड़ी को जब हमने इंटरसेप्ट किया तो उस इंटरसेप्शन के दौरान हमें 71 किलो गांजा उसके पास से मिला। और जो खाचरोद का जो हमारा आरोपी है, उससे जब पूछताछ की गई तो उससे हमारे पूरे देहात क्षेत्र में जो नेटवर्क है उसको की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हमने 2 अन्य जगह रेड की, जहाँ से हमें 1 जगह 20 किलो और 1 जगह 53 किलो गांजा और मिला। साथ ही साथ जो फुटकर जो व्यापारी हैं उनके संदर्भ में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, जिस पर हमारी कार्रवाई हुई तो नागदा क्षेत्र में 1-2 केजी का और मिला। इस तरह से टोटल 1 क्विंटल 46 किलो 100 ग्राम गांजा अभी हम लोगों ने जब्त किया है। और इसमें हम जो फुटकर जो व्यापारी हैं उनके संदर्भ में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो ये गांजा आता कहाँ से, सप्लाई कहाँ से, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा जिस पर हमारी टीमें काम कर रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है टोटल अभी तक? लगभग टोटल जो अभी तक हमारे जो गिरफ्तारियाँ 6 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इन 6 गिरफ्तारियों में लगभग हमें 51,40,000 रुपये का गांजा अभी हमने जब्त किया है। साथ ही साथ इसमें 2 फोर व्हीलर, 1 क्रेटा गाड़ी और 1 मारुति ओमनी और 1 मोटरसाइकिल जो है वो जब्त की गई।